जाना चाहते हैं जाएं अंदर मिले स्टार्ट और थैंक यू वेरी मच। आज फेस्टिवल का दूसरा दिन है और अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ और थोड़ी देर में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि यहाँ पे नेशनल एंथम भी पढ़ा गया और सब मौजूद थे, तो एंड में मैं पहुँचा, थोड़ी सी मैं क्लिप्स बना सका। और तो अब यहाँ से दोबारा से मतलब आज के दिन का जो व्लॉग है वो दोबारा से स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स गो। ये संस्कृत में लिखा हुआ है, लाइला इल्ला हरणी पापम, इसको कहते हैं अंकही मंत्रा अंकही। ये जब किसी पे सकरात ताली होती है, किसी की जान नहीं जा रही होती है, तो उसके कान पे पढ़ा जाता है ताकि उसकी जान आसानी से निकल जाए। जब ये पढ़ूंगा आप समझिएगा इसको, लाइला इल्ला हरणी पापम इल्ला लंबा परम पदम जन्म बैठू पराप होती जपे नाम मुहम्मदम। लाइला इल्ला कहने से पाप मिट जाते हैं, इल्ला कहने से परम पदम यानी हमेशा की इमामत मिलती है। और अगर आप हमेशा का विश्व जनक चाहते हैं तो मोहम्मद का नाम जपते रहो। तो आज तकरीबन इस फेस्टिवल का दूसरा दिन है। कल का दिन मेरे लिए थोड़ा सा बहुत ही फ्री दिन था, इसलिए क्योंकि कल मेरी सिर्फ परफॉर्मेंस थी और वो भी तकरीबन 5 से 6 बजे के दरमियान थी। तो आज का दिन थोड़ा सा इसलिए बिजी है क्योंकि आज हमारे 2 सेशंस हैं और मैं अभी तकरीबन हर हॉल में प्रोग्राम चल रहे हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट सेशंस चल रहे हैं, रासन भी चल रही है, तो मैं वहाँ नहीं जा पा रहा। इसकी वजह यह है कि क्योंकि हमारी प्रिपरेशन नहीं है और हमें आज अपनी बिजनेस पिच देनी है, यानी स्टार्टअप के बारे में पिच देनी है हमें, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे ग्रुप का ही एक शेयरिंग सर्कल भी होगा, तो वो भी उनको समझाना है, तो इसलिए भाई आज थोड़ा सा बिजी है। तो अभी मैं फूड कॉर्नर में बैठा हूँ और हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैंने कहा आपको बता दूँ, ऐसा ना हो कि आप कहें कि पता नहीं कहाँ गायब हो गया भाई। अरे तो सब्जी वाला भी कर रहा है जो कि मेरे ख्याल में 60,000 रुपए कमाने वाले से ज्यादा कमाता है रोज, हिलत अर्निंग मसला नहीं है, किरदार को समझना मसला है। आप अपने किरदार को किस तरीके से लोगों के अंदर और लोगों के दिलों के अंदर वो तासीर पैदा करें। अभी तकरीबन 2:30 हो रहे हैं और लंच हो गया है। लंच आज लेट स्टार्ट हुआ था इसलिए लेट एंड हुआ है, तो लंच की भी मैंने वीडियो नहीं बनाई। और आज आई डोंट नो क्यों सुस्ती चढ़ी हुई है, या सुस्ती है या दिल नहीं कर रहा, क्योंकि आज इसके बाद हमारी प्रेजेंटेशन है ना, प्रेजेंटेशन पे काम करने का दिल कर रहा है ना ही वे लोग इतना मैं बना पा रहा हूँ। मोबाइल भी लो है, इतनी सुस्ती है कि मैं अभी मोबाइल भी चार्ज पर नहीं लगा रहा, हालाँकि आज चार्जर भी लाया। घर की सतह को देखा जाए तो घर के बच्चों की एजुकेशन से लेकर खाना पकाने तक, खाना पकाने के अलावा मेहमानों की उसको जो लिस्टिंग है कि किस तरह का जो ना उनको फूड सर्व किया जाए, तो वहाँ से लेकर बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की जो पर्सनल ग्रोथ है, वहाँ तक खवातीन का बहुत अहम किरदार बनता है और है। So the update is कि जो दसान हुई थी वो कैंसिल हो गई है और थिएटर में मैं इसलिए नहीं जा सका क्योंकि
मुझे आसान हुई के लिए इंतज़ार कर रहा था, तो अब बारी है, एक ही बारी है, वो है पिचिंग की। पिच प्रेजेंट यानी प्रेजेंट करना है अपना जो हमारा स्टार्टअप है, उसकी तैयारी नहीं है इसलिए दिल नहीं कर रहा जाने को, लेकिन जाना तो पड़ेगा, मजबूरी है। मैं कोचिंग सेंटर के लिए खारदर जाता था, तो उस वक्त मुझे बहुत मुश्किलात आती थी जिसकी वजह से मैंने लीव कर दिया, और मेरे काफ़ी फेलोज से उन्होंने भी लीव कर दिया। और उसके बाद कॉलेज ग्रेजुएट करने के बाद मैंने ये सोचा कि मैं डिप्लोमा करता हूँ, दोबारा से मैंने डिप्लोमा किया, और तब जाके मुझे ये पता चला कि हमारे इलाके में कोचिंग सेंटर का मसला बहुत ज़्यादा है, और उसका नुकसान जो आ रहे हैं इलाके में वो ये हैं कि जैसे अनहेल्दी एक्टिविटीज़ में हमारी यूथ जा रही है, और सबसे मेन रीज़न ये आता है कि इंटरमीडिएट उनका कंप्लीट है, और ग्रेजुएट भी होते हैं लोग, लेकिन कहाँ मार खाते हैं जहाँ उनके पास स्किल्स नहीं होती। Come on!